नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। खबरों की नए सिरे से करने जा रहे हैं शुरुआत। मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर अब्बास और सुमेरा खान भी मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, ममता ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और कृष्णनगर से महुआ मोइत्रा को टिकट मिला है। बहरामपुर से यूसुफ पठान को टिकट को लेकर बड़ी खबर है। डायमंड हार्बर से अभिषेक बैनर्जी उम्मीदवार है, जबकि बारासात से काकोली घोष को टिकट दी गई है। आपको बता दें, बालूरघाट से विप्लव मित्रा को टिकट मिला है। खेला होबे जीत होबे के नारे के साथ ममता बनर्जी ने न सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज कर लिया, बल्कि खुले मंच से 42 उम्मीदवारों का ऐलान कर साफ कर दिया कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में बीजेपी के खिलाफ अकेले ताल ठोकेगी। तृणमूल कांग्रेस ने जिन 42 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, उसमें बहरामपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, जादवपुर से सोनी घोष, हुगली से रचना बनर्जी, उत्तरी कोलकाता से सुदीप बंदोपाध्याय, दमदम सीट से सौगत राय, बारासात से काकोली घोष, डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी, बीरभूम से शताब्दी रॉय, मालदा दक्षिण से शाहनवाज अली और कीर्ति आजाद को दुर्गापुर से टिकट दिया गया है। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनने को लेकर ममता बहरामपुर से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी पर हमला कर चुकी है। ममता ने बहरामपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतार कर अधीर रंजन को मुश्किल में डाल दिया है। खास बात यह है कि इस बार तृणमूल के लिस्ट में नुसरत जहां का नाम नहीं है। ममता ने असम और मेघालय में भी उम्मीदवार उतारने की घोषणा की और बताया कि यूपी में अखिलेश यादव से बातचीत चल रही है। और टीएमसी के टिकट से जादवपुर से सयोनी घोष को टिकट मिला है और दुर्गापुर से कीर्ति आजाद को मैदान में उतारा गया है। टिकट मिलने के बाद इन नेताओं ने क्या कहा, सुनिए। अगर आप देखें तो 1984 में ममता बनर्जी कैंडिडेट थी जादवपुर की और वो फर्स्ट टाइम एमपी थी। सोमनाथ चटर्जी को उन्होंने हराया था, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा एक मौका मुझे दिया है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने। हमारे नेतृत्व वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, हमारे एमएलएस बहुत स्ट्रांग है, सबका संगठन है, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, यही आशा है। बीजेपी के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे हैं। बीजेपी के खिलाफ अगर मुद्दे लेके हम लोग बात करें तो मैं बोल सकती हूँ कि एक नॉवल लिख सकते हैं। अगर उनके खिलाफ कुछ बोलना है तो वो नॉवल के पन्ने हम पढ़ते रहेंगे, आप लोग सुनते रहेंगे। देखिए, ऐसा है, मुद्दा जो पार्टी की तरफ से आ रहा है वो आ रहा है कि हम विधानसभा पर विधानसभा करके उन मुद्दों को उठाएंगे और जो क्षेत्र का मुद्दा होगा वह भी होगा, तो उसको सभी जैसे पार्टी तय और निर्णय करके कहेगी उसी प्रकार से उसको किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के 42 उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने के बावजूद कांग्रेस को अब भी उम्मीद है कि बंगाल में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो, सम्मानजनक फॉर्मूला ढूंढा जाए, बीच का रास्ता ढूंढा जाए। एक तरफा कोई घोषणा नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे ओर से भी कुछ बयान आए हैं जो कुछ हमको परेशानी हुई है उन बयानों से, पर खुले मन से, बड़े दिल से इन बातचीत हमें करनी चाहिए। तो हमारे दरवाजा हमेशा खुला है। हम कहते हैं, कहकर आ रहे हैं कि इंडिया जनबंधन को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हमारी प्राथमिकता है। और वो भी ममता बनर्जी कह रही थी, ममता जी भी ने यही कहा है, और वो उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी को मैं हराना चाहती हूँ। पर मैं समझता हूँ अगर हम एक साथ लड़ते तो अच्छा होता। एक साथ अभी भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला संभव है, क्योंकि लास्ट डेट तो नहीं हो पाया। और कोलकाता की रैली से ममता ने ऐलान किया कि वो बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगी। ममता ने मोदी सरकार पर पैसा न देने का भी आरोप लगाया। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि देश किस दिशा में चलेगा ये बंगाल से तय होगा। ममता ने पीएम मोदी पर हमला किया और कहा कि बंगाल में मैं काम कर रही हूँ और पीएम मोदी उद्घाटन कर रहे हैं। যে মেট্রোটা এসে উদ্বোধন করছে ওটা আমার করে দেওয়া, টাকাও আমি দিয়ে গেছি আর উনি ফিতে কাটছেন, লজ্জা করে না? 18 এমপি জিতিয়েছিলেন বাংলার মানুষ, তারপর থেকে অত্যাচার শুরু করেছে। 2021 দেখেছেন অত্যাচার, সব বন্ধ করে দিয়েছে বাংলার, আমাদের টাকা নিয়ে যাচ্ছে আর আমাদের টাকায়
আমাদের টাকা আমাদের ফেরত দিচ্ছে না। মমতা নে কাহা কি ও পশ্চিম বঙ্গাল মে কিসি ভি হাল মে এনআরসি লাগু নাহি হোনে দেঙ্গে। আমরা আপনাদের কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে দেব না, এনআরসি করতে দেব না। চিৎকার করে বলুন এনআরসি হবে না। और पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने टीएमसी के प्रत्याशियों को लेकर ममता पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यूसुफ पठान गुजराती होने के बावजूद बाहरी नहीं है, लेकिन मोदी बाहरी हैं। जब तृणमूल कांग्रेस का लिस्ट निकला उसके आधा घंटा पहले ही भतीजा वहां पे बड़ा बड़ा डायलॉग मार रहा था, बांग्ला बंगाली को लेकर बीजेपी एंटी बंगाली है, ये सब डायलॉगबाजी चल रहा था। अब जब कैंडिडेट निकला देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। कीर्ति आजाद कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, मोदी जी भी गुजरात से आते हैं, मोदी बहिरागत है, फॉरेन एंटिटी है, लेकिन यूसुफ पठान नहीं है। ये कौन सा रूल है? कोई बंगाली नहीं मिला आपको? बंगाली मुसलमान में क्या वोट जीतने की लड़ने की ताकत नहीं है क्या? आप गुजराती मुसलमान को ला रहे हैं यहाँ पे? ये तो कैसी शर्म करने वाली बात है। बंगाली एंटी बंगाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, नहीं कोई उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा था इसलिए मंत्री को बैठा दिया। बेचारा 70 साल का उम्र है, अभी मंत्री बना है लास्ट उम्र में आके, उसको लड़ा रहा है, घूम नहीं सकता, आंखों का ऑपरेशन हुआ है कुछ दिन पहले, और उनका नाम भी है, आगे आने वाले समय में सीबीआई भी पकड़ सकता है, ईडी भी पकड़ सकता है। हाँ, बालूरघाट से लड़ रहे हैं, हारना पड़ेगा उम्र में, बुरी उम्र में।